जब दूसरे
जम जाता है तो घर से दूध वापस नहीं ले सकते, और डिपेंडिंग ऑन फूड यदि फूड पक्का गिर जाता है तो वापस उसे कच्चा कर सकते हो तो नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन फोर, अब चल रहे हैं क्वेश्चन फाइव पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ थिक कोटिंग ऑफ अ प्लास्टर पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बियॉन्ड इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इन बॉडीज टू देन द चेंजिंग यूपी की रिवर्स। क्या होता है जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस पर एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इन शॉर्ट फॉर्म बीओपी। ठीक है, तो वो क्या करती है हमारे हाथ में प्लास्टर के रूप में चेंज हो जाती है और वो हमको थोड़ा आराम देती है, ड्राइंग रखती है इसको फ्रैक्चर बोन को। तो हम ये अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स, मतलब अब जो प्लास्टर बन गया था उसका तो ये बैंडेज जो बन गई थी वो वापस से पीओपी बन जाएगी। तो आंसर होगा नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब जो बैंडेज बन गया था हमारा पीओपी वो वापस से पीओपी नहीं बनेगी। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइन इन द ओपन गैप वैक्यूम टू रैम ड्यूरिंग द नाइट द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, डू यू थिंक द चेंजेस व्हिच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट तो कुड बी रिवर्स। क्या हुआ कि जो आपने एक बैग है सीमेंट का, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको घर के बाहर रख दिया, ठीक है, किसी के घर का काम चल रहा था, क्या हुआ रात को बारिश हुई, बारिश होने के कारण वो गीला हो गया, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि बोलते सनलाइट निकलती है तो वो धूप में सूख जाता है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिच है कॉपर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स, तो जो गीला सीमेंट था वो वापस से सूखा सीमेंट बन गया। तो आंसर देखते हैं नो, दिस कैन बिच है कॉपर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स, नहीं ये पहले जैसा नहीं बन सकता। कंप्लीट हो गया है, सुंदर हैंड राइटिंग में आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है।